अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, माशाल्लाह। उस्मान शहजाद मेरा नाम है, तो मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है, गुज़श्ता कुछ अरसे से जी डॉक्टर असलम अब्दुल असलम के बारे में, अब्दुल्सलाम जी बिल्कुल, मीडिया में उनके हुकूमती इकदाम के बारे में कुछ बहस हो रही है, ठीक है। तो अगर हम बतौर पाकिस्तान देखा जाए तो पाकिस्तान का नाम उन्होंने काफ़ी इकदाम किए हैं, हमारा नाम रोशन किया पाकिस्तान का, तो क्या बतौर पाकिस्तान हम उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं कि नहीं? जी चीमा साहब, मैं गुजारिश करूंगा आपसे। सर, इसमें जो मतीन साहब ने एक बात कही थी वो रह ना जाए, वो हमारा काम दावत के हवाले से है कि हमने पैगाम पहुंचाना है, मनवाना तो हमारा जी, काम जी। हमारे इख्तियार में नहीं है जी। इब्ने अमीर शरीयत सैयद अताउल मोहसिन शाह जी अजरा मजा फरमाया करते थे, भाई मतीन साहब वाली बात की ताईद है, तो भाई अब इस्लाम यहाँ से दाखिल नहीं होगा, यहाँ से होगा जी, मुंह से दाखिल होगा, कान से अब नहीं दाखिल होता। तो पैगाम पहुंचाने के लिए मतलब ये रास्ता भी बहुत जरूरी है जो आपने इख्तियार किया। डॉक्टर अब्दुलसलाम, एक तो फिजिक्स तबियात के हवाले से बैनुल अक्वामी मेयार पर वो मेयार पूरा नहीं उतरा जिसके हवाले से यहूदियों ने डॉक्टर अब्दुलसलाम को नोबल इनाम दिया, लेकिन ये अलग बात है, दे दिया, हो गया, ठीक है, मान लिया गया। 1972 में फिजिक्स का ये इदारा, सेंटर फॉर फिजिक्स कायदे आजम यूनिवर्सिटी के एरिया में जो है, ये 1972 में जी, इनसे कहा गया कि इसके लिए आप काम करें जी। डॉक्टर साहब ने इनकार कर दिया, आ जहानी डॉक्टर अब्दुलसलाम कादियानी ने। 1974 में कादियानियों को मुत्तफिका तौर पर, और एक बात यह भी आ जाए कि मुत्तफिका तौर पर 1973 का आइन जब बना तो एएनपी के एक रुकने कौमी असम्बली ने इस पर इख्तलाफ किया था, इख्तलाफी नोट दिया था 1973 के मुत्तफिका आइन जी, लेकिन 1974 की इस करारदाद अकलियत पर उसने भी दस्तखत कर दिए थे, एक वोट के इजाफे से ये ज्यादा मुत्तफिक आले करारदाद अकलियत है। डॉक्टर अब्दुलसलाम कादियानी 1974 चले गए अपने आकाओं के पास। भुट्टो मरहूम ने साइंस के उनवान से कॉन्फ्रेंस एक बुलाई और उसमें दावतनामा भेजा। इन्होंने कहा कि मैं ऐसे लानती मुल्क पर कदम नहीं रखना चाहता जिसकी कौमी असेंबली ने मिर्जाइयों को अकलियत करार दिया, ये रिकॉर्ड पर है जी। उसके बाद कई मराहल आते हैं। 1984 में, ये किसी ना भाई मतीन साहब ने लिखी है ना हमने छापी है, जाहिद मलिक साबिक ब्यूरोक्रेट है, दी ऑब्जर्वर अखबार निकालते थे, अभी पिछले दिनों में 2 महीने पहले उनका इंतकाल हुआ है जी। वजारत मजहबी उमूर में जॉइंट सेक्रेटरी भी रहे हैं जी जाहिद मलिक, उनकी किताब है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और इस्लामी बम जी। वो लिखते हैं कि 1984 में अमरीका ने पाकिस्तान पर यह इल्ज़ाम थोपा और यह कहा, प्रोपोगेट किया इसको, कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम हासिल कर लिया है, एटमी प्रोग्राम बना लिया है और एटम बम बना लिया है। तब अभी नवाज शरीफ के बाद वाले दौर में ये इसको, ये कौमी राज होते हैं, ये मुल्क से जो वफा करता है और मुल्क की मोहब्बत हमें सुन्नत नबी से मिलती है। लेकिन तो जनाब एटम बम बना लिया है पाकिस्तान ने, पाकिस्तान ने इनकार किया, वजारत खारजा ने इनकार किया, वजीर खारजा थे जियाउल हक मरहूम के दौर में साहबजादा याकूब अली खान जी, वो गए सफाई देने के लिए और अमरीका ने तलब किया और वो गए। टेबल पर गुफ्तगू हो रही है कि आपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर दस्तरस हासिल कर ली है, साहबजादा याकूब अली खान पाकिस्तान का वजीर खारजा कहता है कि जनाब नहीं, ऐसा नहीं है, उसने तफसील लिख दी है इस किताब में। वो थोड़ी देर के बाद अमेरिकन हुकाम पाकिस्तान के एटमी प्लांट कोहोटा का मॉडल और नक्शा लाकर टेबल पर रख देते हैं जी, कि ये आपका मॉडल है और आप इनकार कर रहे हैं। वजीर खारजा याकूब अली खान हक्का बक्का रह गए, वो उठे, पीछे मुड़ के देखा तो कादियानी डॉक्टर अब्दुलसलाम खड़ा था। तब उन्होंने कहा अच्छा तो ये बात है। तो जरा लंबी बात की बजाय हमारे इज्जत माब जनाब कमर जावेद बाजवा साहब जो आर्मी चीफ हैं जी,
उन्होंने 26 तारीख को कहा है जो पाकिस्तान का दुश्मन है उससे हमारी दुश्मनी है। हम कहते हैं उन्होंने ठीक कहा है, हम उनकी पुश्त पर पूरी कौम खड़ी है इस मसले पर, लेकिन पाकिस्तान का सबसे अजली और अबदी दुश्मन तो इंडिया और कादियानी है, और उनका मजहब या अकीदा जो है वो अखंड भारत का है। तो कल को आप कहेंगे, कोई कह दे जनाब के कुलभूषण जो आपने पकड़ा हुआ है इसको हीरो करार देना है, तो कौम इस बात को नहीं मानती। इसके पीछे कादियानियत नवाजी है, इसके पीछे मुल्क दुश्मनी भी है, और जो इस मुल्क का वफादार नहीं हम तो उसके दुश्मन हैं।